आप देख रहे हैं satyahindi.com। गोदी मीडिया और कॉरपोरेट पत्रकारिता के इस युग में जरूरी है कि निष्पक्ष, बेबाक और निडर पत्रकारिता बची रहे, और इसके लिए आप satyahindi.com के ग्राहक सदस्यता अभियान से जुड़िए। इसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएं और वहां लगे हुए लिंक को क्लिक कीजिए। आज खबर होगी फ्रांस की। फ्रांस में एक बहुत बड़ी और बुरी घटना हुई है। वो ये हुआ है कि फ्रांस के नीस शहर में नोत्रे दे बेसिलिका यानी गिरजाघर में एक व्यक्ति घुसा और उसने वहां 3 लोगों की हत्या कर दी। उसमें एक महिला का गला काट दिया गया और दूसरे 2 लोगों की हत्या हुई। ये तीनों हत्याएं चाकू से हुई है, स्टैबिंग करके हुई है, और इस घटना की पुष्टि नीस के पुलिस ने कर दी है और नीस के मेयर ने कर दी है। नीस के मेयर क्रिश्चियन एस्ट्रोनेसी ने इसकी पुष्टि करते हुए यह कहा है कि जिस समय हमलावर वहां मौजूद था और उसको नियंत्रित करने की कोशिश पुलिस कर रही थी, तो वो जोर जोर से अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा था। इसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने उसे नियंत्रित किया, गिरफ्तार कर लिया गया वो व्यक्ति। इसके बाद फ्रांस के आंतरिक मंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे उस इलाके में ना जाएं। उन्होंने अपने कैबिनेट की बैठक बुलाई है और ये समझा जाता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उस जगह का मुआयना जल्द ही करेंगे। लेकिन यह मामला इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है, क्योंकि उसी फ्रांस में कुछ दिन पहले पेरिस के पास एक उपनगर में एक स्कूल में धर्म पढ़ा रहे एक शिक्षक ने पैगंबर मोहम्मद का एक कार्टून दिखाया अपने छात्रों को यह बताने के लिए कि धर्म क्या है। लेकिन यह कार्टून वो कार्टून था जिसे कार्टून पत्रिका शार्ली एब्दो ने 2015 में प्रकाशित किया था और उसके प्रकाशन के बाद उसका बहुत ही जोरदार तीखा विरोध हुआ था। यहां तक कि कुछ इस्लामी उग्रपंथी शार्ली एब्दो कार्टून पत्रिका के दफ्तर में घुस गए और वहां 11 लोगों की हत्या कर दी, जिसकी पूरी दुनिया में तीखी निंदा हुई थी। वो जो कार्टून दिखाया गया था, उसी कार्टून को पिछले दिनों स्कूल के शिक्षक ने दिखाया। उसके बाद चेचन मूल का 18 साल का एक व्यक्ति उस स्कूल में गया और उसने उस शिक्षक का गला काट दिया। जाहिर है इसकी भी बहुत ही तीखी भर्त्सना की गई। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस पर कहा था कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है और ये इस्लामी आतंकवाद है। उन्होंने ये कहा था कि शिक्षक की हत्या पर पूरा देश तो स्तब्ध है ही, लेकिन वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ खड़े हैं और उसका समर्थन करते हैं। इसे इस रूप में समझा गया कि फ्रांस धार्मिक भावनाओं की उपेक्षा कर रहा है और इस घटना को वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समझ रहा है, यानी प्रॉफिट के पैगंबर मोहम्मद के इस कार्टून को दिखाए जाने को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का से तुलना कर रहा है, और इससे जो मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं उससे वो बेखबर है या उस पर उसकी चिंता नहीं, ये समझा गया। और इसके बाद फ्रांस का बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, ईरान, इन सारे देशों ने फ्रांस से उत्पादों के बहिष्कार करने की अपील की और इन देशों ने राजदूतों को बुलाकर विरोध पत्र दिया। इसके अलावा अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश तक में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। अभी मामला यह है कि तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब अर्दोगान ने जोर देकर कहा कि लगता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और इसलिए उन्हें अपने मनोविकार का, उन्हें मानसिक रोग का इलाज कराना चाहिए। ये शब्द थे रिसेप तैयब अर्दोगान के, जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं। जाहिर है इस पर विरोध हुआ, इस पर बवाल मचा, और जो इसके बाद जो गुरुवार को घटना हुई, जो नीस के चर्च में गिरजाघर में घुसकर जिस व्यक्ति ने 3 लोगों को मार डाला, और उससे भी स्थिति यह है कि उस समय वह एक
वो अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा था, जिससे ये समझा जाता है कि क्या वो व्यक्ति उस कार्टून के प्रकाशित होने से किसी तरह जुड़ा हुआ है, क्या उस व्यक्ति ने यह हमला चर्च में घुसकर इसलिए किया कि उसकी धार्मिक भावनाएं आहत थी, क्या उसने ऐसा इसलिए किया कि वो पैगंबर मोहम्मद के कार्टून के प्रकाशित होने से परेशान था या आहत था या दुखी था। इन सारी बातों की कोई जानकारी अभी हमारे पास नहीं है, ये तो पुलिस की जांच से ही पता चलेगा कि वो व्यक्ति क्या था, कौन था, उसकी अपनी उसके अपने पॉलिटिकल एफिलिएशंस क्या थे, वो किसी आतंकवादी गुट में जुड़ा था या नहीं, या बिल्कुल साधारण आदमी था, या वो इस्लामी फंडामेंटलिस्ट था, क्या था, इन सारी बातों का पता जांच के बाद चलेगा, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अभी ये तो कहा ही जा सकता है कि फ्रांस एक अजीबोगरीब मोड़ पर खड़ा है, जहां एक तरफ यूरोपीय देश हैं और दूसरी तरफ इस्लामिक देश हैं, वो इस्लामिक देश जिनका कहना है कि पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाए जाने से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, और उनके सामने है वो यूरोपीय देश जिसका नेतृत्व फ्रांस कर रहा है, जिनका मानना यह है कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है। तो क्या ये ईसाइयत वर्सेस इस्लाम का मामला है, क्या ये यूरोप और इस्लामी देशों का मामला है? सैमुअल हटिंगटन ने अपनी मशहूर किताब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में जिस क्लैश की बात कही थी, यानी सभ्यताओं के जिस संघर्ष की बात कही थी, क्या ये सारा मामला उस सभ्यताओं के संघर्ष को प्रतिनिधित्व करता है? कैसे हम क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कहें? अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, ये सब अपने अपने इंटरप्रिटेशन पर है, अपने अपने विचार पर है, आप अपना विचार रखने को स्वतंत्र है, आप इसे अपने ढंग से इंटरप्रेट करने को स्वतंत्र है, लेकिन ये मामला निश्चित रूप से चिंता की बात है, परेशानी की बात है। ये मामला सिर्फ फ्रांस का नहीं है, पूरी दुनिया का मामला है। स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का सम्मान भारत भी करता है, लेकिन इसके साथ ही भारत में धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान किया जाता है और धार्मिक सहिष्णुता का भी सम्मान किया जाता है। तो ये धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक भावनाएं और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, दोनों के बीच एक संतुलन की जरूरत है। मुझे लगता है कि शायद ये संतुलन गड़बड़ाया है, जिस वजह से इस तरह की हिंसक घटनाएं हो रही हैं और इस तरह के काम हो रहे हैं। आप देख रहे हैं satyahindi.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें satyahindi.com। सत्य हिंदी के और वीडियोज को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।